14 रोचक तथ्य चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दो भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। चंडीगढ़ भारत का पहला सुनियोजित शहर है। इसकी योजना एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिए ने बनाई थी। चंडीगढ़ के नाम का अर्थ है चंडी का किला। यहाँ चंडी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। उन्हीं के नाम से चंडीगढ़ का नामकरण हुआ है। पहले पंजाब राज्य की राजधानी लाहौर थी। आजादी के बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तब चंडीगढ़ पंजाब की नई राजधानी बनाई गई। चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 365 मीटर है। अधिकांश चंडीगढ़ बरगद और यूकेलिप्टस के बगीचों से भरा हुआ है। अशोक, कैसिया, शहतूत व अन्य वृक्ष भी यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। शहर को घेरे हुए बड़ा वन्य क्षेत्र है जिसमें अनेक जंतु व पादप प्रजातियां फलती फूलती हैं। यहाँ की सुखना झील सबसे सुंदर झीलों में से एक है। यह 3 किलोमीटर लंबी है और मानव निर्मित है। रॉक गार्डन का निर्माण स्वर्गवासी नेकचंद ने करवाया था। यह कचरे के प्रयोग से बना है जो पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। रोज गार्डन का पूरा नाम जाकिर हुसैन रोज गार्डन है। यह एशिया का सबसे बड़ा पुष्प उद्यान है। यहाँ पर गुलाब के पौधों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है क्योंकि संख्या 13 को अशुभ माना जाता है। चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। चंडीगढ़ शहर का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होने के कारण यह संघ शासित प्रांतों की लिस्ट में अव्वल आता है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग चंडीगढ़ आकर बसे हैं, इसलिए यहाँ की संस्कृति और परंपरा में एक मिश्रण दिखता है। धन्यवाद।